सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, चैप्टर कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। और हमने वीडियो का पहला पार्ट पढ़ा, हमने समझा कि जो सिक्योरिटी को खतरा होता है या किसी भी कंट्री को, दो ही तरीके से होता है, ट्रेडिशनल नोशन था, नॉन ट्रेडिशनल नोशन था। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम आगे का पार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। एपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करता है, डिटेल चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, और ई पाठशाला टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट ई पाठशाला आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। सो आई होप, मैं इस चीज़ को तो मान के चलूँगा कि आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा होगा, जिसमें आपको समझ में आया होगा कि हाँ बेसिकली क्या क्या इस पूरे चैप्टर के अंदर बताया गया है। सो दोस्तों, अभी नॉन ट्रेडिशनल नोशन के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि शांति को खतरा पहुंचाने वाले ऐसे कुछ और सूत्र भी हैं जो बता के नहीं आते हैं, और ऑफकोर्स जिनके बारे में हम पता भी नहीं कर सकते हैं कब किस रूप में आ जाएं, और इवन वो समय के साथ साथ बढ़ते ही जा रहे हैं, और उसके ऊपर भी हम उसको क्या कहते हैं, काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई अकेली कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। सो ब्रॉडली तो बहुत सारे हैं, इसीलिए हमने इसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई करा है। नॉन ट्रेडिशनल नोशन, खतरा मतलब शांति को खतरा पहुंचाने वाले अपारंपरिक धारणाएं, जिनको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं। नंबर वन है आपका ह्यूमन सिक्योरिटी, नंबर टू है ग्लोबल सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो भी मानव अधिकार है, मानव से रिलेटेड स्वतंत्रता है, मानव की लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं वो, और दूसरा है ग्लोबल सिक्योरिटी, वैश्विक सुरक्षा। अब वैश्विक सुरक्षा में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि तापमान का बढ़ना, या भुखमरी का, या महामारी का, या जनसंख्या का बढ़ना, या मैं कह सकता हूँ ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज होना, ओजोन लेयर का पतला होना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का ख़त्म होना। सो ये है थोड़े ग्लोबल इश्यूज। तो ऐसे तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन हमें 12th के लेवल पे इतना समझना है कि सिक्योरिटी को जो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो हालांकि हम थ्री एलिमेंट पे, जो सिक्योरिटी के थ्री एलिमेंट्स होते हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से पहला मैं कह सकता हूँ कि हमें बचाने की ज़रूरत क्या है, व्हाट टू सिक्योर, हमें सिक्योर असल में करना किसे। दूसरा है कि अगर जो खतरा है तो खतरा किस प्रकार का है, और अगर उस खतरे को हमें ठीक करना है तो हमें कौन सा अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। सो ऑफकोर्स हमें ये भी समझने की ज़रूरत है। सो चाहे वो ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या ग्लोबल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें सिक्योर किसको करना है। दूसरा, हमें समझना होगा कि अगर खतरा हो रहा है तो खतरा है किस चीज़ का, और उसके बाद उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हम करेंगे वो भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले ह्यूमन सिक्योरिटी। दोस्तों, राज्य की सुरक्षा का मतलब ये होता है कि मानव की सुरक्षा करना, क्योंकि मानव की सुरक्षा अगर नहीं होगी तो सारी की सारी सिक्योरिटी आप कुछ भी कर लीजिए उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, रत्ती भर भी। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग को फ्री करना हमें जरूरी है वायलेशन से, वायलेट नहीं करना है, चाहे उसके अधिकार हो, चाहे उसके फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे उसका डर हो। स्टेट की कोशिश होनी चाहिए कि ह्यूमन सिक्योरिटी दे। अब उसे किसी भी प्रकार का खतरा हो तो खतरा, हमें उस कम्युनिटी को उस खतरे से निकालना है, चाहे युद्ध का खतरा हो, चाहे उसकी जान का खतरा हो, चाहे उसकी स्वतंत्रता का खतरा हो, चाहे उसकी भुखमरी का खतरा हो। तो मेन बात है, ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए हमें मानव सुरक्षा करनी पड़ेगी, इसी वजह से हमें उसको मुक्ति दिलाने की जरूरत है। तो इसीलिए ये तो यूएन सिक्योरिटी के लोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू प्रोटेक्शन ऑफ द कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल फ्रॉम द इंटरनल वायलेंस। मतलब कि मेन ये है कि हमें सुरक्षा देनी है कम्युनिटी को उसके इंटरनल वायलेंस से, जैसे कि और भी चीज़ें हो सकती है, हंगर हो गया, भुखमरी हो गई, डिसीज हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, है ना, या क्या कहते हैं, दीज किल फार फॉर मोर पीपल देन द वॉर। क्योंकि ये खतरे तो भुखमरी भाई, ये तो ह्यूमन बीइंग की, अगर इंसान को भूखा ही मार दिया जाएगा तो ये तो वॉर में कितने लोग मरे ना मरे, लेकिन भूख से कितने लोग मर जाएंगे, ये तो सरकार का काम है कि उसको इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन तो देना। तो ये ऐसा खतरा है जो बता के नहीं आएगा, नेचुरल डिजीज है, बता के तो नहीं आएगी कब क्या आ गया, भूकंप सुनामी में कितने मर गए, एकदम से हैजा फैल गया, ट्यूबरक्लोसिस फैल गया, एड्स फैल गया, तो बीमारी है, इससे कितने लोग मर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, है ना। दूसरा है ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी को देखा गया था 1990 के बाद, क्योंकि
यूएसएसआर से बहुत सारी कंट्री आज़ाद हुई, और आज़ाद होने के बाद हमने टेररिज्म, हेल्थ इश्यूज, एड्स जैसी बीमारियां डिटेक्ट करी, और फाइनली फिर हमने पाया कि हाँ भाई इसके ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें जुड़ गया, ये ग्लोबल लेवल पे है ना, क्योंकि इसको हम नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक ही कंट्री फेस कर रही है, तो सभी, जैसे कि पानी के लेवल का बढ़ना, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अ सी लेवल रेज फ्रॉम 1.5 से 2 मीटर वुड बी फ्लूटेड 20% ऑफ बांग्लादेश। जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है पानी का स्तर, तो बांग्लादेश का कुछ हिस्सा तो डूबता ही जा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी समस्या है जो अभी हमें नहीं लग रही लेकिन आने वाले समय पे होने वाली है। दूसरा, टेररिज्म खतरे के नए स्रोत बढ़ते जा रहे हैं, सिविलियंस इसमें टारगेट होते हैं, चाहे वो जानबूझ के ले लीजिए या बिल्कुल निशाने पे लगा के ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल 9/11 की घटना जो ऑफकोर्स अमेरिका को हिला देती है ये। अब दूसरा है आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशन होना। देखो किसी भी कंट्री के अंदर अगर ह्यूमन राइट वायलेस हो रहा है तो पॉलिटिकल राइट गया, पॉलिटिकल राइट गया तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चली गई, असेंबली चला गया। सेकेंड में इकोनॉमिक राइट अगर नहीं मिल रहा तो इंसान को सोशल राइट नहीं मिल पाएगा। थर्ड है जहां पर राइट टू डीकोलोनाइज हो जाएगा, जहां पे क्या कहते हैं, अगर कहीं पे उपनिवेशवाद है भी तो दोस्तों वहां पे फिर क्या कहते हैं इंडिजिनियस पीपल जो वहां के रहने वाले लोग, वहां के रहने वाले बाशिंदे, उनकी लाइफ भी तो खराब हो जाएगी, बेचारे वो कहां जाएंगे। तो ये है ह्यूमन राइट वायलेंस होना। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कुवैत के अंदर इन्वेजन हुआ था, रवांडा के अंदर जिनोसाइड हुआ था, और उसके बाद ईस्ट तैमूर के अंदर इंडोनेशिया के बहुत सारे लोगों ने मारा लोगों को, तो ये एक इशू है। वैश्विक गरीबी बढ़ती जा रही है, जहाँ पे इनकम कम हो रही है जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस के अंदर आता है। माइग्रेशन ऑफकोर्स, बहुत सारे रिफ्यूजेस अपने देशों को छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं बेटर हेल्थ लाइफ के लिए और अच्छी फैसिलिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए, स्टेबल लाइफ जीने के लिए, है ना। तो ये थोड़ा सा स्टैटिक्स है। दूसरा है हेल्थ एपिडेमिक, ऑफकोर्स जैसे कि कोरोना वायरस, उसके बाद HIV एड्स है, उसके बाद पता नहीं कितनी प्रकार की बीमारियां हैं जिसके बारे में अभी हम ग्लोबली नहीं कह सकते कहां से कौन सी बीमारी निकल के आ रही है, लेकिन कोरोना वायरस ने तो सबको हिला के रख दिया। तो ये ग्लोबल इश्यूज है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और बाकी लोकल लेवल पे तो पता नहीं कितना है लोकल लेवल पे हर किसी कंट्री के अंदर, तो उसका तो अंदाज़ा नहीं है। अरे पानी की कमी हो रही है, पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, तो ये एक इशू है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें दोस्तों, इसके लिए हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, आपस में मिलके सारे लोग इस कचरे को साफ करेंगे, कचरा मतलब इस समस्या को साफ करेंगे। इसके लिए हमने क्या करा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज इनिशियल टू ऑलेटिविक पॉवर्टी मैनेज माइग्रेशन रिफ्यूजेस मूवमेंट एंड कंट्रोल द एपिडेमिक। अकेला नहीं कर सकता कोई भी बंदा, इसलिए मिलिट्री यूजफुल रहेगी टेररिज्म को खत्म करने के लिए, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो ऑफकोर्स हमें मिलिट्री का इस्तेमाल तो एंड में करना पड़ेगा, फोर्स का इस्तेमाल। तो ये हम कर रहे हैं, हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रहे हैं, जैसे कि UN के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उसकी बहुत सारी असेंबलीज हैं, बहुत सारे जितने भी क्या कहते हैं पार्ट हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं। अब इंडिया के अंदर ना दोनों ही टाइप के खतरे हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, ट्रेडिशन भी और नॉन ट्रेडिशनल भी। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया देखते हैं क्या करता है। इंडिया इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया ने ट्रेडिशनल मिलिट्री ये वाला ही फेस करा हुआ है, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड भी फेस करे हुए हैं, जैसे कि बॉर्डर के अंदर बार बार हमले होते रहना। तो इसके लिए क्या करा उन्होंने, 4 कंपोनेंट पे काम करा। सबसे पहले तो अपनी मिलिट्री को बढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान से उसने सबक सीखा हुआ है, इसलिए वो अपनी मिलिट्री को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट भी उसने करा ताकि मजबूती मिले। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना, जैसे कि UN, नेम, रिलेशंस बनाएं। और दूसरा, यहाँ पे इंडिया इस चीज के लिए भी तैयार है कि अगर हर कंट्री डिसआर्मेंट करने के लिए तैयार है तो इंडिया भी कर, दिक्कत नहीं है। ऑल नेशंस को इक्वल राइट्स होने चाहिए, सभी लोग मिलके काम करेंगे तो ही हो पाएगा, अकेला हम नहीं करेंगे। मीटिंग सिक्योरिटी विद इन द कंट्री, इवन कंट्री के अंदर भी उसे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, जैसे कि नागालैंड के अंदर, मिजोरम में, पंजाब, कश्मीर में तो आए दिन होता ही रहता है ब्रेकडाउन इश्यूज, तो इसके लिए मिलिट्री काम करती रहती है। हमने गरीबी को ख़त्म करने के लिए क्या करा, हमने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की शुरुआत कर दी। इवन मैं कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक को हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ऑफकोर्स कोशिश ये करी जा रही है कि अगर हम लोग पॉवर्टी के इंडेक्स को कम करना चाहते हैं तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिससे हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी और गरीबी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी।
चैप्टर में और कुछ नहीं है, ट्रेडिशन और नॉन ट्रेडिशन नोशंस के अलावा जो आपको समझना है, इश्यूज क्या है, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, बाकी आप मौज मारिएगा। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, दिस इज इट इन दिस वीडियो।